हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, आपका क्लास 9th का ये मैथ है, 6.1 है और क्वेश्चन नंबर आज सेकेंड आप देखोगे। अगर अपनी बुक में आप खोल लो एनसीईआरटी में तो आपको मिल जाएगा आकृति 6.14 में रेखाएँ एक्स वाई और यम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। रेखाएँ एक्स वाई एंड यम एन ये बिंदु ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। आगे सुनो क्या कहता है। यदि पी ओ वाई इक्वल 90 अंश, यानी ये जो है 90 अंश है, और ए अनुपात बी, ये 2:3 दिया है, तो पूछ रहा है कि कोण सी बताओ। बच्चा क्या होगा भैया, सी बताओ। सी मतलब कहाँ है ये कौन सी मुसीबत है सी। देखो एक एक हम करके निकालेंगे, पहले ध्यान से देखो। हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना ए और बी का जो उभयनिष्ठ अनुपात है, या ऐसे लिख लो, लेट्स कॉमन रेशियो ऑफ ए एंड बी इज एक्स, इतना हो गया। अब ये अगर हो जाएगा तो ये आप जानते हो कि यदि ए अनुपात बी इक्वल 2x होगा, 2x नहीं यार, 2:3 है भैया, क्या होगा, 2:3 होगा। देखो ये बुक में दिया है, हाँ, तो यहाँ से आप सभी समझ सकते हो क्या क्या हो जाएगा। ए जो है वो 2x हो जाएगा कॉमन अनुपात लगा के, और बी का मान क्या हो जाएगा, 3x। इतना आपको समझ में आ रहा है, इसको आप नोट करते चलो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका पहला पेज हो गया, इतना हो गया। देखो नीचे दो लाइन अभी मैं लिख सकता हूँ, तो आप लिखोगे रेखा एक्स वाई पर, लिखो रेखा एक्स वाई पर। देखो बच्चा रेखा एक्स वाई पर क्या है, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे फिगर में रेखा एक्स वाई पर, तो यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं। कौन कौन बन रहे हैं, एक तो ये बी बन रहा है, एक ए बन रहा है, एंड एक ये 90 वाला बन रहा है। 3 कोण बन रहा है ना भैया, ये बन रहा है एक, एक ये, एक ये, 3 बन रहा है। तो नीचे अगर आपको दिख रहा है कि नहीं बता दो, चूंकि मुझे शंका होती है कि नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो भैया यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोण बी और प्लस कोण ए एंड कोण 90 अंश बराबर 180 अंश। हमने एक लाइन शॉर्ट कर दिया है, हम चाहते तो इसको ऐसे लिखते, कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ पी प्लस कोण ओ पी वाई या फिर पी ओ वाई, तो सबको जोड़ते 180 अंश होता, लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, 180 क्यों हुआ पता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। जब सभी कोण एक ही रेखा पर बने होते हैं तो क्या होते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, लीनियर पेयर जिन्हें बोलते हैं। लिख लो सभी बच्चे, ये क्या बना रहे हैं भैया, ये लीनियर पेयर बनाते हैं, इस वजह से ऐसे हैं ये, मतलब आप इनको 180 लिख सकते हो। आगे देखो, इनको लिख लिए बच्चे, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ, इनको मिटा के मैं ऊपर चलूँगा, ध्यान देना। जो बच्चे नहीं लिखे हैं इनको लिख लें, ध्यान दें और लिखें जल्दी से। चलिए देखो, मैंने 2-3 लाइनें ऊपर मिटाई हैं, आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करोगे तो आपको फिर से दिख जाएगा जो मिटाया गया है। अब देखो बी धन ए बराबर ये क्या है, 180 है ना, यहाँ से हम कोई मान निकालेंगे। क्या निकालोगे आपको पता है, देखो बी और ए का मान अभी ऊपर मैंने लिखा था ना, पी का मान 3x, ए का मान 2x लिखा था ना बच्चा, तो बी का मान 3x, ए का मान 2x धन ये 90 और बराबर 180 अभी मैंने माना था ऊपर, वीडियो हल्का पीछे करो दिख जाएगा। ये जुड़ जाएगा 5x बराबर 90 हो जाएगा, इक्वल 180 हो जाएगा। यहाँ से आप 5x निकालोगे, आपको पता है 180 माइनस 90 होगा, x बराबर ये 90/5 होगा बराबर 18×5=90, x का मान 18 आएगा। इसको हल करना आपको आता है, बताना नहीं क्योंकि आप क्लास 10th में हो। अगर आपको ये भी नहीं आता है, 9th-10th में पहुँचे हो तब भी, तो आप बेसिक मैथ ज्वाइन करो PVR स्टडी की, 0 लेवल मैथ, ऊपर नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करो, फ़ोन करो, ठीक है। चलिए इतना कर लिए, एक्स के मान आ गए, यानी एक्स के मान आ गए तो हम मान निकाल लेंगे ए और बी के, हमारे मान क्लियर हो जाएंगे। चलो ठीक है, इतना हो गया, तो अब मैं मिटा सकता हूँ। अब नीचे आप लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, आता ए और बी के मान अभी मैंने लिखा था ना, ए बराबर 2x ना, ए बराबर 2x था, तो इसको आप बराबर करते चलो, तो 2×x का मान 18 बराबर 36, यानी ए का मान कितना आ गया बच्चा, 36 आ गया, ये 36 हो गया। नीचे लिखो बी बराबर 3x, ये था आपने देखा था, तो ये 3×18 हो जाएगा, इक्वल 54 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 54, ये आपका 54 डिग्री हो गया। इतना हो गया क्लियर, आप सभी लिखते चलो फटाफट, बताते चलो, नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना। ये एक्स वाई पर हो गया, किस पे हो गया, एक्स वाई पर।
अब हम क्या करेंगे, हाँ निकालना क्या था, सी निकालना था ना। सी यार इसमें दिया है बुक में, अगर आप ध्यान दो तो कोण सी कहाँ दिया है, ये एक्स वाई वाला भैया दिया, ये सी है बड़ा वाला, हाँ ये सी है, यही हमें निकालना है, ये सी निकालना है। यहाँ पे ओ कहीं लिख लो, यहाँ कहीं साइड में लिख लो, चूँकि जगह होनी चाहिए इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे ओ लिख लो, मतलब हमें ये कोण निकालना है। तो अब हम इस रेखा में लेंगे, इसमें इसमें देखो आप दो कोण बन रहे हैं ना, दो बन रहे हैं, कौन कौन बन रहे हैं बच्चा, एक तो 54 वाला बन रहा है और एक सी वाला बन रहा है ना। अब आप ऊपर और लिखो, इसको मिटा दो जो बच्चे मिटाना चाहें, मतलब हो गया, चलो ऊपर मैं मिटा रहा हूँ, नहीं लिख पाए थोड़ा वीडियो पीछे करके लिखो, नहीं लिख पाए पीछे करके लिखो। अब लिखो रेखा एम एन पर, भाई रेखा एक्स वाई पर सब हो गया, अब यम एन पर, यम और एन ले लो सीधी सीधी रेखा, तो आपको क्या मिलेगा, आप देखो कोण कौन सा भाई, एक्स और ये ओ और यम, ये कोण और ये कोण बना है ना भाई, ये रेखा लोगे तो इसके इधर ये बना है, दो कोण बने हैं, तो ये 54 अंश प्लस कोण सी इक्वल 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कोण सी है ये 54 है, दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा, 180 क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं, क्या करते हैं रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म मैंने इसीलिए पढ़ाया था, समझ गए। तो एक एक पॉइंट लिखते चलो, मैं ज़्यादा आगे नहीं भागूंगा। तो सी बराबर करोगे बच्चा 180 से 54 घटाओगे, आपको पता है घटाना, सब जानते हो, 126 अंश आएगा, ये क्या हो जाएगा सी का मान हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप निसंकोच पूछो, ये 26 अंश का मान आ गया 126। तो इस तरह से आपका ये सवाल ख़त्म हो गया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास आप एक दो घंटे पढ़ें हर दिन, जैसे ये तो एक वीडियो हो गया एक क्वेश्चन हो गया, तो ये शाम को 7 बजे हर रोज़ आपका वीडियो आ जाता है इस समय, प्रेजेंट समय में, समय बदल भी सकता है कभी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए। अगर आप चाहते हो एक दिन में पूरा एक चैप्टर मिल जाए तो आप नंबर पर संपर्क करो और हमारी स्पेशल प्रीमियम क्लास को ज्वाइन करो, प्ले स्टोर पर PVR स्टडी का ऐप है, उसे डाउनलोड करके जाके कोर्स आप इनरोल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बच्चों से निवेदन है वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे।